तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैंने अपने स्टडी के बारे में बताया, मैं आपको बताऊंगी अपने स्टडी के बारे में। तो उसके लिए चलते हैं, पहले हम अपस्टेयर में चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अपने स्टडी के बारे में। तो लेट्स गो, उधर अभी चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। गाइस तो हम इस मैं अपस्टेयर आ चुकी हूँ और अभी हम स्टडी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। और स्टडी करने में तो सबसे पहले मुझे क्लास बताना चाहिए। तो मेरा जो क्लास है, मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ और फेवरेट सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे साइंस और मैथ्स हैं। और इसकी सम क्वालिटीज़ भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस आता है। साइंस में मुझे ये दो टॉपिक बहुत पसंद है, मतलब उसमें हम पढ़ते हैं ना नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और उसमें बहुत हम न्यू चीज़ें भी हम सीखते हैं, लाइक एनिमल्स के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, सोलर सिस्टम्स के बारे में। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक्स पर, तो इसलिए मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं मैथ्स का भी आपको बताती हूँ। तो मैथ्स जो है ना, मुझे एक तो इसलिए अच्छा लगता है ना कि उसके लिए हम ऐसे सोचते हैं ना, प्लस करना, माइनस करना और डिवाइड करना। तो मुझे मैथ्स इसके लिए पसंद है, उसमें जब बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते उसको सॉल्व करना मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही ऐसे करती थी, मतलब मैं 1-2 क्लास में भी, मुझे मैथ्स में ना बड़े क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे, मैं उसको सॉल्व भी करती थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करना। ओके, तो बाय, कल के लिए वेट करना, ठीक है। तो आज के लिए बाय।